हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर अपने स्थापना के साथ पहली मर्तबा 26 फरवरी को एनआईटी हमीरपुर के सभागार में दीक्षांत समारोह मनाएगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल आचार्य देवव्रत के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 270 मेधावी छात्रों को डिग्रियां बांटेंगे। विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं कुर्ता पैजामा और किन्नौरी टोपी पहनकर डिग्री मेडल समारोह में हिस्सा लेंगे। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के दीक्षांत समारोह में छात्र अलग अलग ड्रेस कोड में नजर आएंगे, जिसमें 270 टॉपर में से 82 को गोल्ड मेडल, 74 को सिल्वर और 121 को डिग्रियां दी जाएंगी। समारोह की तैयारियां तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा मुकम्मल की जा रही हैं। वाइस चांसलर एसपी वंसल ने बताया कि 26 फरवरी को एनआईटी हमीरपुर के सभागार में दीक्षांत समारोह मनाया जाएगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल आचार्य देवव्रत के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 270 मेधावी छात्रों को डिग्रियां बांटेंगे। एसपी बंसल ने कहा कि स्किल गैप को खत्म करने के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू किए गए हैं, जिसके माध्यम से छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मदद मिले। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में अपना रिसर्च बैंक तैयार किया जाएगा, जिसके तहत वर्ल्ड बैंक से 20 करोड़ मिले हैं। साथ ही विश्वविद्यालय विभिन्न तरह की लैब अपने स्तर पर तैयार करवा रही है और जल्द ही प्रदेश के कॉलेजों में पीएचडी कोर्स शुरू किए जाएंगे। 2010 में बना था, हमें लगा कि विश्वविद्यालय का रेगुलर फीचर कन्वोकेशन होना चाहिए। यही सोचते हुए हमने इस विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह 26 फरवरी को माननीय गवर्नर और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री जी ने एक्सेप्ट किया है और 26 फरवरी को पहला दीक्षांत समारोह इस विश्वविद्यालय का होने जा रहा है। और इसकी जो पेक्यूलर फीचर मैं समझता हूँ वो ये है कि सारा की सारी कन्वोकेशन जो है वो भारतीय परिधान में होगी। मुझे लगता है कि इस रीजन का पहला विश्वविद्यालय होगा कि जो पूरी कन्वोकेशन भारतीय परिधान में रहेगी। मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है बहुत ज़्यादा ग्रोस एनरोलमेंट रेशो पर विश्वास ना करके ग्रोस एम्पावरमेंट रेशो और ग्रोस एम्प्लॉयमेंट रेशो पर विश्वास करना चाहिए। यही मंत्र लेते हुए मैंने इस विश्वविद्यालय में मैंने ये देखा कि जो स्किल गैप है उस स्किल गैप को भरने के लिए कुछ एक स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज इस विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू किए हैं। उसको लेते हुए हमने स्किल डेवलपमेंट सेंटर शुरू किया जो हमारी बीओजी ने पास किया है और हम 100 सेंटर हम विभिन्न कॉलेजेस में और जो जो लेना चाहेंगे हमने एक बास्केट जो है 35 कोर्सेज की बनाई है और एक इंस्टीट्यूट को 5 कोर्सेज स्किल डेवलपमेंट एड ऑन के रूप में या अन्यथा हम एक इंस्टीट्यूट को देने जा रहे हैं। मुझे ये लगता है कि संपूर्ण विश्वविद्यालय बनने के लिए रिसर्च बेस उसका होना चाहिए। उसी रिसर्च को कंटिन्यू करते हुए हमने हमारे पास टेक्यूब भी है, टेक्यूब में 20 करोड़ रुपये वर्ल्ड बैंक की तरफ से मिले हैं। हमने यहाँ पर निर्णय लिया है कि इनक्यूबेशन सेंटर हम अपने विश्वविद्यालय में बनाने जा रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट में बनाने जा रहे हैं। टिंकरिंग क्लैब हम अपने विश्वविद्यालय में बनाने जा रहे हैं और कुछ एक इंस्टीट्यूट में बनाने जा रहे हैं। और मैंने ये देखा कि रिसर्च बेस जो है उसके लिए हमारा अभी तक पीएचडी का प्रावधान नहीं था। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने कुछ एक सेंटर जो कि यूजीसी के नॉर्म पूरे करते थे वहाँ पर हमने रिसर्च सेंटर अभी दिया है और पीएचडी शुरू की है। प्रदेश में तकनीकी विश्वविद्यालय के मानकों को पूरा न करने वाले कॉलेजों को बंद किया जाएगा। बंसल ने कहा कि प्रदेश में ऐसे कॉलेजों को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द मानकों के अनुरूप काम करें, नहीं तो कार्रवाई करते हुए ऐसे कॉलेजों को बंद किया जाएगा। मुझे लगता है कि रजिस्ट्रार का बहुत बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि हमारे डीन अकेडमी को ऐसी यहाँ व्यवस्था है, अभी चार्ज मिल गया है और सरकारी आदेश का इंतजार कर रहा हूँ। जब भी कोई स्थायी रजिस्ट्रार आएगा वो उनको रिप्लेस कर देंगे। सर पीएचडी में अभी लगभग पीछे 5-6 कॉलेजेस हैं जिनको हमने नोटिस दिया था और 3 ने अभी हमारे से रिक्वेस्ट भी किया क्लोजर रिपोर्ट के लिए। अभी हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। मुझे लगता है कि जो कॉलेजेस हमारे नॉर्म पूरे नहीं करेंगे, जो कॉलेजेस क्वालिटी पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे, वो अच्छा है कि वो कॉलेज बंद हो जाए और उसको लिए हम भी यही चाहेंगे।